चार पाँच साल के बच्चे से लेके बुजुर्ग जो लाठी या व्हील चेयर पे वो भी देखेगा आपको बीटीएस के कॉन्सर्ट के लिए सही में हाँ, कोरिया बहुत सेफ है आपको रास्ते में कई बार के लोगों के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड गिरे हुए भी दिख जाएंगे वो वैसे ही पड़े रहेंगे उनको हम बहुत सुंदर लगते हैं लड़कों को वहाँ के लड़कों को हम सुंदर लगते हैं इंडिया हमारी डिमांड है उधर ऐसा नहीं कि हम सोचो उनकी ब्यूटी स्टैंडर्ड जैसा वो वो लोग मानते हैं कि हम लोग सुंदर हैं हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट गॉसिप विद कीर्ति और आज हमारे शो पर आई थी मानसी शी इज़ इन इंडियन लिविंग इन कोरिया काफ़ी टाइम से वो कोरिया में स्टडी कर रही हैं और आज के पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ बीटीएस के ड्रामास इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात हुई है बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था और मैं एज ए बी फैन बहुत एक्साइटेड थी इस पॉडकास्ट के लिए बहुत अमेजिंग गया है प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना एंड प्लीज़ इन्जॉय द पॉडकास्ट Hi Mansi, welcome Hi. to my podcast Gossip with Kirti. How are you? I am good. How are you? Good, good, good. कैसा लग रहा है इंडिया के? बहुत अच्छा. ये तो सबसे सुंदर फीलिंग होती है. मुझे लगता है घर आना बहुत ही अच्छा लग रहा है. और घर वालों का क्या रिएक्शन था? पिछली बार मैंने उनको सरप्राइज दिया था. But इस टाइम मैं बता के आई थी कि मैं आ रही हूँ वगैरह. तो मेरे पापा बहुत ज्यादा वेट करते हैं मेरे आने का oh. पापा का थोड़ा होता है ना बेटियों से तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मैंने तुम्हारी रील भी देखी थी पापा वाली दैट टाइम आई वाज नॉट फॉलोइंग यू मैं तुम्हें जानते भी नहीं थी मैं तुमसे मिली भी नहीं थी मैंने तुम्हारी रील देखी मैं रोने लग गई थी इतना रील बहुत वायरल हो गई नो आई वो रील आ, पहले बार की थी जब मैं कोरिया जा रही थी और वो मैंने ऐसे ही डाली थी बट वो रील बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी बहुत ही मतलब पेरेंट्स को ऐसा देख के ना दिल यहाँ आ जाता है मैं वो रील आज भी देख नहीं सकती हूँ <laughs> मतलब अब नहीं देखी जाती मुझे बहुत बुरा लगता है उसको देख के बट हाँ वो रील बहुत स्पेशल है मेरे लिए आई नो और ठीक है तो कैसे गई कोरिया कैसे मतलब तुमने पहले से सोच रखा था कि कोरिया में ही पढ़ाई करनी है या मैं देहरादून में थी मैंने अपना कॉलेज भी देहरादून में ही किया स्कूलिंग भी देहरादून से थी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तब मुझे पता चला ऐसी कोई स्कॉलरशिप होती है जिसके थ्रू तो आप कोरिया जा सकते हैं हाँ, हाँ. और फिर एज अ के ड्रामा फैन आपको okay. लगता है कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कोरिया जाना तो मुझे पता चला कि एक स्कॉलरशिप है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप जी कस इसमें ये होता है कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है हाँ. इसमें आपका रहना खाना पीना सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है और आपको डिग्री भी मिल रही है हाँ. तो ऐसी मतलब आपको ट्यूशन फीस भी नहीं देनी है कितनी अच्छी चीज़ है तो मुझे लगा अप्लाई करके देखते हैं देखते है क्या होगा तो मैंने अप्लाई किया तो फिर हो गया था हो गया पहले राउंड में नहीं हुआ मेरा बेसिकली okay. मैंने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो मैंने एम्बेसी okay. ट्रैक से किया था इसमें दो ट्रैक हो हाँ, तो होता, होता, okay. होता है एक होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक जिसमें आप डायरेक्ट जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है कोरिया की उसमें अप्लाई करते हो तो मेरा एम्बेसी ट्रैक से हो गया था लेकिन सेकेंड राउंड में मेरा नाम नहीं आया तो मुझे लगा है मेरे तो पैरों के नीचे जमीन चली गई कि दुनिया खत्म हो गई है बहुत बुरा लगा था क्योंकि जब मेरे नाम आए थे ना फर्स्ट एम्बेसी ट्रैक में तो मैंने पूरे सपने सजा लिए थे कि मैं कोरिया जा रही हूँ फिर वो एकदम टूट गए फिर मेरे को लगा चलो ठीक है मैंने सेकेंड टाइम अप्लाई किया कोविड हो गया मेरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे फिर थर्ड टाइम मुझे ऐसा था ये लास्ट टाइम है इसके बाद मैं अप्लाई नहीं करूँगी मतलब मैंने सोच लिया था मैं नहीं करूँगी और थर्ड टाइम भी ये हुआ कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रही थी उसकी डेडलाइन खत्म हो गई थी फिर मेरे को जो यूनिवर्सिटी मिली मैंने उसमें अप्लाई कर दिया बट शायद मेरा जाना लिखा था उस साल तो मैं फाइनली हूँ मुझे तीन साल होने को है। अच्छा तुम्हारा भी बैचलर्स हो गया पे मैं बैचलर्स यहीं से करके गई थी अच्छा। मैंने मास्टर्स से से मास्टर्स कर रही हूं अभी मेरा अगस्त में हो जाएगा। ओके फिर आगे के क्या प्लान है? मेरे प्लान ये है कि मैं वहाँ पे जॉब करूँ एक साल छह महीने साल दो साल उसके बाद <laughs> Okay. Like, uh, मतलब, मतलब, ओके मतलब, और तुम भी कहीं ना कहीं एज अ के ड्रामा फैन तुमने उसमें हाँ। मेरे को बस वो एक वो हमारे अंदर एक चुल बोलते हैं ना वो के ड्रामा फैंस क्योंकि हम उतना देख लेते हैं हमें लगता है कि कोरिया बिल्कुल ऐसा है तो हमें एक्सपीरियंस करना है तो बस मैंने वो वहां से शुरू किया था लेकिन

अगर उनको इंग्लिश आती है तो भी आप लोग फ्रेंड्स बन सकते हो लेकिन अगर एक कम्युनिकेशन बैरियर है बीच में आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो आई डों थिंस आप लोग फ्रेंड्स बनोगे इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि वो लोग भी बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं कि आपको हिम्मत ही नहीं होगी बात करने की oh, बहुत बहुत ऐसे बैरियर है ऐसा लगता है कि यार कई बार वो इग्नोर भी कर देंगे आपको क्योंकि उनको वो फेस ही नहीं करना है जहाँ पे वो ऑकवर्ड हो जाए oh. अब मैं ये समझने लग गई हूँ अब ऐसा होता है <laughs> तो वहाँ पे जैसे जो सॉल है वहाँ पे

कोरिया में जो छोटी सिटीज है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर है आपको वहां पे वो के ड्रामा ओल्ड फैशन के ड्रामा नहीं होते थे वो वो हन बुक वाले विलेजेस वो सब देखने को मिलते हैं तो मैं ऐसी बहुत जगह जगहों में गई हूँ लेकिन अगर आपको कभी घूमने जाना है तो गो टू तो बुसान जेजू जेजू पक्का जाओ जेजू इज वेरी ब्यूटीफुल जेजू दो हाँ जेजू दो सोल बुसान यहाँ जाओ ये तो मेन सिटीज है यहाँ तो जाओ जाओ ही जाओ इसके अलावा आप जा सकते हो गुरे नाम से एक सिटी है ओके वहाँ पे चेरी ब्लॉसम बहुत अच्छा होता है आप ऐसे करके जा सकते हो गंगजिन है यौंगल ऐसे अलग अलग नाम है जब भी आप जाओगे आप मुझसे पूछ सकते हो मैं आपको जगह बता दूंगी आई होप जब तुम वहाँ होगी है वो क्या है बोक। बोक। मैंने देखा था तुम गई थी आ, कौन सा पैलेस था वो उसके बारे में बताओ बेसिकली सोल में एक पैलेस है गोंग पैलेस वो वो वाला पैलेस है जो बहुत फेमस है आपको के ड्रामा में भी हर दूसरे के ड्रामा की शूटिंग होती है तो वहां पे ऐसा है वो कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस आप रेंट कर सकते हो मान लो उसकी शुरुआत होती है आठ से दस हजार में अगर आपने मेरी वो पिंक ड्रेस देखी होगी अब हाँ। आप, आपने पहली बार पहनना है तो आप सोचते हो यार क्या पैसे देखने सबसे सुंदर पहनेंगे हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरा जो था वो लगभग मुझे पड़ा साढ़े तीन हजार, हजार का मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा पहनना है आप रेंट पे ले सकते हो वो चार से पांच घंटे पे आपको रेंट पे मिलता है जिसमें आपको प्रॉपर हैंडबुक देते हैं एसेसरीज आपके बाल बना के देंगे कोरियन स्टाइल में आपको जूड़ा चाहिए हाफ हाफ बन चाहिए कुछ भी चाहिए वो देंगे साथ में आपको थोड़े एसेसरीज उनका बैग दे देंगे okay. अगर कुछ वहाँ पे ऐसे कुछ शॉप्स हैं जो आपको अम्ब्रेला भी देते हैं वो पुराने वाला अम्ब्रेला hmm. नहीं होता ah. था वो, वैसा कुछ अम्ब्रेला भी देते हैं तो आप वो रेंट कर सकते हो okay. सबसे अच्छी चीज है आप जब भी वो पैलेस में जाओ तो वो हेंड बुक पहन के जाना क्योंकि अगर आप वो हेंड बुक पहन के जाते हो तो आपको एंट्री फी नहीं देनी है वो फ्री हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे होता है लोग अंदर घुस जाते हैं फिर उनको लगता है यार हेंड बुक कहाँ मिलेगा तो हेंड बुक हमेशा बाहर से मिलता है

आप अपने वो जहाँ से अपने हैंडबुक लिया आप अपने लॉकर में अपने वो कॉस्ट्यूम रख के जा सकते हो उसकी की लेके जाओ बहुत सेफ है और कोरिया बहुत सेफ अगर आपने आ, किसी रेस्टोरेंट में या किसी कैफे में अपना आई छोड़ के आप चले गए छः घंटे के लिए तो वही मिलेगा आपको सही में हाँ कोरिया बहुत सेफ है आपको रस्ते में कई बार के लोगों के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड गिरे हुए भी दिख जाएंगे वो वैसे ही पड़े रहेंगे कोई उठा के नहीं उठाता नहीं जबकि वहाँ पे इतना इजी है ना वहाँ पे

बिल्कुल okay. सेफ है बिल्कुल बहुत, अच्छा लगा मुझे सुनके। <laughs> बहुत सारे लोग हैं जो मुझे तो है, है। तो नहीं, नहीं, अच्छा अच्छा, लाइब्रेरी भी है जो मैंने बहुत, में। <laughs> बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है वो कैफे भी है वो लाइब्रेरी भी है जो लाइब्रेरी आपने देखी होगी वो आपने देखा होगा उसके साथ में वो एस्केलेटर है वो कोएक्स मॉल में है कोएक्स मॉल बहुत बड़ा मॉल है सोल में तो आप वहाँ पे उन्होंने वो लाइब्रेरी है आप वहां पे पढ़ भी सकते हो हाँ। और वहाँ पे कैफेज भी है वो मॉल है बेसिकली अच्छा वो मॉल के अंदर है वो लाइब्रेरी जो आपने फोटोज में देखी होगी okay. हाँ। उसके अलावा आपने वो भी देखा होगा टेडी बेयर देखा होगा बहुत टेडी बेयर बहुत हा, फेमस हा, होता हा, है हा, लोग हा। फोटो के जाते हैं तो वहाँ पे आप जैसे हमारा एक ऐप है व्हाट्स एप वहाँ पे लोग लाइन यूज करते है आपने सुना होगा लाइन एक ऐप है तो लाइन यूज करते हैं वो एक लाइन का शोरूम है उसकी मेन एंट्री करते ही उन्होंने वो बहुत बड़ा टेडी रखा है आप उसके साथ फोटोज़ ले सकते हो लेकिन वीडियोज़ नहीं निकाल सकते हो ऐसे क्यों उनका कोई रूल है आप फोटोज दो बट आप वीडियोज़ भी निकालो ऐसे पता नहीं चलता है okay. क्योंकि जो फ़ोटो ले रहा है, वो वीडियो ले सकता है मुझे लगता है hmm. अच्छा एक चीज़ और है मतलब जो जिस वजह से मुझे कोरियंस बहुत ज़्यादा पसंद है उनका फैशन सेंस बहुत अमेजिंग होता है नो no डाउट जब तुम फर्स्ट टाइम गई थी कुछ अफेक्ट हुआ है तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस में जब क्योंकि हाँ, होता है ना आप रहने लगते हो तो नहीं मुझे लगता है।, है, बिल्कुल ऑब्वियसली <laughs> फर्क तो आ ही जाता है अगर मैं वो मानसी देखू जो तीन साल पहले थी इतनी बुरी ड्रेसिंग सेंस नहीं थी तब भी <laughs> बट अभी बिल्कुल चेंज हो गया क्योंकि वहा पे इतने सुंदर ये देखो कैसे कपड़े मिलते हैं उधर हम क्यों नहीं लेंगे और ये तुम जारा से वहाँ का जारा का जो कलेक्शन है वो इंडिया के जारा से बहुत अलग है Oh God, मुझे रहे, मैं से. अगर आप कभी भी शॉपिंग के लिए आते हो तो वहाँ के जो मार्केट है ना मॉल से ज्यादा मार्केट जाना मुन मार्केट म्योंगोंग मार्केट तो बहुत फेमस है बहुत फेमस है।, बहुत फेमस है ऐसे मार्केट जाओगे ना तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉल्स मिल जाएंगे जिनमें काफी है ना एक्सपेंसिव हो जाता है लेकिन अब आप कहीं पे भी बाहर जाओ फॉरेन कंट्री में तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है बट जो क्वालिटी मिलती है ना कपड़ों की वो बहुत अच्छी है उधर और कॉस्मेटिक्स का कॉस्मेटिक्स तो बहुत ही अच्छा है लेकिन हमारा फाउंडेशन शेड नहीं मिलता है उधर अच्छा आप कभी भी कॉस्मेटिक लेने जाते हो तो आप ये ये माइंड में रख के जाओ कि आपका जो फाउंडेशन शेड होगा वो तो वहाँ पे है ही नहीं जो वहाँ पे सबसे लाइट फाउंडेशन है ना वो भी हमारा मिलता नहीं है शेड मुझे लगता है वो लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं सफेद हैं वो लोग जिसको हम बीमार बोलते हैं ना कि ये बीमार है वो वैसे सफेद हैं बहुत गोरे हैं बहुत ज्यादा गोरे हाँ मैंने कुछ कुछ कोरियंस जब मैं थाईलैंड गई थी तो मैंने देखा था हालांकि थाईज और कोरियंस बहुत ही सिमिलर लग रहे थे बट जब वो बोल रहे थे ना तो मैं समझ जा रही थी कि कोरियंस ही हैं तो लेकिन वो बहुत एक तो उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है बहुत स्किन स्किन केयर केयर से मुझे लगता है कि वो जो सी फूड खाते हैं ना उसकी वजह से भी बेसिकली वो लोग दिन में इतना ज्यादा मीट इतना ज्यादा फिश कंज्यूम करते हैं कि उनके बाल तो अच्छे होंगे ही ना बाल और स्किन अच्छी होगी उसके बाद वो स्किन केयर भी लड़के भी और लड़कियां भी सब फॉलो करते हैं वहां जाके मुझे भी ये आदत लग गई कि चार बजे सो रही हूँ सुबह लेकिन स्किन केयर करके सो रही हूँ क्योंकि आप लोग को वहाँ पे देख के ऐसे लगता है कि यार इतना फ़र्क पड़ सकता है स्किन केयर से तो फिर आप खुद ही करने लग जाते हो और बहुत अच्छा स्किन केयर मिलता है उधर हाँ ये तो मैंने सुना है बहुत अच्छा, अच्छा बहुत, बहुत बहुत ही अमेजिंग और वहाँ पे आप कभी भी जाओ तो अपनी बकेट लिस्ट में ट्रीटमेंट जरूर रखना अच्छा तुमने करवाया था ना क्या था मैं आई ऑलवेज गो फॉर फेशियल्स मैं कभी वो इंजेक्ट पोटॉक्स कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं डर है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ बट आप फेशियल्स लो वहाँ से उनके अल्ट्रा ग्लो फेशियल हाइड्रा फेशियल ग्लास स्किन फेशियल्स बहुत अच्छे हैं और आपको मजा आ जाएगा आपके पैसे वसूल हो जाएंगे तुमने रीसेंट कौन सा करवाया था मैंने अभी लिया था अल्ट्रा ग्लो फेशियल गो फेश अच्छा था ऐसे देखो रंग तो बदलता है नहीं इट्स जस्ट दैट तुम्हारी स्किन थोड़ी साफ हो जाती है पोर्स स्किन हो जाते हैं और बहुत अच्छा रहता है काफी टाइम तक तो स्किन भी बहुत स्मूद लगती है तो अच्छा है और अपना स्केल्प ट्रीटमेंट लो अच्छा। उधर बहुत अच्छे स्केल्प ट्रीटमेंट है वो आपको लिटरली आपकी स्केल्प की कंडीशन दिखा देंगे उसके बाद वो जो आपका एक डेढ़ घंटे का प्रोसीजर करेंगे ना उसके बाद आपको लगेगा कि ये मेरी स्केल्प थी नहीं जो पहले दिखाई थी इतने अच्छे स्केल्प ट्रीटमेंट है उधर और मैंने सुना है कि इंडिया से कोरियन में मतलब कोरिया में जो ट्रीटमेंट्स होते हैं स्कैल्प के स्किन के वो सस्ते हैं हाँ सस्ते हैं इंडिया में तो महंगे हैं हाँ, महंगे है। क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा ये हाँ। सलून या हेयर ट्रीटमेंट्स ऐसे बार्स क्या बोलते हैं हेयर क्या होते हैं हेयर ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट शॉप्स जो भी है ये बहुत ज्यादा खुल गए उधर बहुत ज्यादा खुल गए तो फिर मान लो किसी का अगर प्राइस चार हजार है तो कोई दो हजार में कर रहा है इसलिए वहाँ पे सस्ते हैं बट आप कभी भी जाओ यू शुड डू इट विल आप ऐसे जाओगे आपको नहीं लगेगा अंदर जाके सिर्फ लड़के मुझे ये चीज सुंदर लगती है उधर जाके कि वहाँ पे ऐसा नहीं कि ये तो लड़कियों की चीज है डिफ्रेंशियन नहीं होना हाँ, चाहिए उधर बहुत ऐसा है कि लड़के भी तैयार हो रहे हैं लड़के भी करा रहे हैं फेशियल्स एंड दिस इज वेरी कॉमन I think यही एक रीजन है जो हम लोग इतने जल्दी जो के में हम इतने जल्दी लड़कों को आए थे क्योंकि इतने सुंदर लगते हैं वो. हाँ, और नहीं मुझे लगता है उन लोगों ने ना एक वो एक स्टैंडर्ड स्टेंड, सेट कर दिया है वो जैसे लड़कियों को ट्रीट करते हैं ना वो इंडियन लड़कों में थोड़ा होता है कि हम ऐसे नहीं है ये काम हम नहीं कर सकते वो मेल ईगो आ जाता है बट वहाँ पे उन्होंने लड़कों को हमेशा दिखाया दे आर वेरी लाइक वो लड़कियों की तरफ थोड़ा झुकाव है उनका ज्यादा हाँ, कि ठीक है अगर लड़की को ये पसंद है तो हम कर लेंगे हाँ, बैग घूमते हैं जैसे नॉर्मली मतलब इंडिया में तो है नहीं है वहाँ पे ना सबसे ज्यादा वो ट्विनिंग वाला सीन है वो जूते सेम कपड़े सेम बहुत ज़्यादा और वो बहुत क्यूट लगता है बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कोरिया में रह के इरीटेट होने लग गई दे थी क्योंकि जब आप सिंगल होते हो तो आपको इतना ट्रॉमा देता है ना वो आपको गुस्सा आने लग जाता है हर जगह कपल्स देख के ऐसा लगता है क्यों दिख रहे हैं ऊपर से वो इतने ज्यादा क्यूट लगते हैं उनमें इतना प्यार दिखता है ना कि आपको बहुत अकेला महसूस होता है बट oh वो ये बहुत कॉमन है उधर कपल्स का मैचिंग आउटफिट्स पहनना डेट्स पे जाना पिकनिक जाना कैफे जाना इंडिया वहाँ पे कपल्स के लिए कैफेज है स्पेशली फॉर जस्ट फॉर कपल्स मतलब सिंगल्स अलाउड जा नहीं जाते हैं जैसे फ्रेंड्स चले गए आप आ, और मैं चले गए बट वहाँ आ, पे ज्यादातर कपल एक्टिविटीज करते हैं लोग किचन बनाना उनके लिए वो डेटिंग कल्चर है ना जो बहुत सुंदर है हमारे यहाँ पे अगर हाँ हम अपने बॉयफ्रेंड को बोलेंगे ना कि चल पेंट करने चलते हैं तो बोलेगा तू पागल है आ, म, म, मनाली चलते हैं पेंट करके क्या करेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पे वो किचन बना रहे हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है कपल्स के लिए और वहाँ के लोग इन्वॉल्व भी होते हैं उनको खुद मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ लड़कों को फोर्स करना पड़ता है, नुँ। कोरिया, नुँ। में है कोरिया में ऐसा है कि की कोरिया में ये है कि उनको खुद ही मन करता है कि यार नहीं चलो आज कुछ ये हाँ। करेंगे आज ये ये चीज मैंने देखी है उधर बहुत ज्यादा ये चीज अगर किसी को जाना है बाहर उनके अपने में ही ऐसा आपको दिख जाएगा बाहर भी कि वो साथ में पेंटिंग कर रहे हैं पिकनिक आप हान रिवर जाओगे हान रिवर के बारे में सुना है वहाँ पे लोग पिकनिक करने जाते हैं वहाँ पे सेवन इलेवन है आप वहाँ पे राम बनाओ अपने चिप्स वगैरह लेके आओ घर से भी कुछ लेके आओ बैठो अपने रिवर के पास और पिकनिक वहाँ पे आपको इतने कपल्स दिखेंगे फोटो खींचते हुए कुछ करते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा अच्छा वहाँ पे एक चीज़ और है कि मैं मतलब मैंने सुना है कि उनको ना बच्चे नहीं पसंद होते हैं मतलब भै, पैदा भै, करना पैदा करना मतलब उनको होता है कि भैया हम पहले अपना अच्छे से वहाँ पे अब मुझे ऐसा लगता है अभी तो ऐसा हो गया कि शादी भी नहीं करते तो बच्चे तो फिर सेकेंडरी हो गए ना बच्चे हाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते उनको लगता है क्योंकि वहाँ पे ऐसा है बच्चे हुए उसके बाद उन्होंने जैसे स्कूलिंग हुआ तो फिर वो अपने आप वो करने लग जाते हैं ना पार्ट टाइम जॉब्स तो फिर वो अलग हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से खुद ही कमा रहे हैं खुद ही कॉलेज की फीस भर रहे ऐसा हो जाता है मतलब उतना कम हो जाता है उनका अपने पेरेंट्स से और ये लोग ना डी डी अटैच होते जाते अपना अलग एकदम पेरेंट्स के साथ नहीं रहते अलग रहते हैं अपना खर्चा खुद उठाते तो उनको ऐसे लगता है कि शायद मुझे लगता है ऐसा कि उनको लगता है कि शायद ज़रूरत नहीं है साथ में रहने की तो उनकी मैंटेलिटी वैसी ही होती जाती है बाद में फिर वो सोचते हैं कि मेरी मैम ने मुझे ये बोला था मैंने बताया था पहले भी एक बार कि हमने शादी करी मैंने पूछा कि कोरन्स लोग शादी क्यों नहीं करते तो उन्होंने बोला देर आर लॉर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैंने बोला आप लोग ने शादी की है तो आपके क्या प्लान्स है कहते हम कुत्ता पाल लेंगे बिकॉज वी कान टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड उनको ऐसा है कि अगर हम उसको अच्छे से पढ़ा के उतना पैसा लगा सके तो या उसका ध्यान रख सके तो बच्चा होना चाहिए आई थिंक वो ठीक भी है कहीं ना कहीं नहीं हम बच्चे पैदा कर ले फिर संभाल नहीं पा रहे हैं उससे अच्छा तो वही है ठीक है

जो आ, मतलब कुछ भी फंक्शन होता है तो मिलते हैं वो वो फिर मिलते हैं उनके वहाँ जाते हैं लंच डिनर जो जो भी होता है है फिर वो वो अपने अपने वापस आ जाते हैं तो ये ये तुम जो बता रही हो ये वही चीज़ है ना कि पेरेंट्स के साथ नहीं वो नहीं रहते नहीं लोग रहते जैसे हमारे इंडियन फैमिलीज कैसे होते हैं जैसे मेरी शादी हुई तो मैं अपने इन लॉज के साथ रहूंगी वो मेरी मर्जी है मैं नहीं भी रहना चाहूँ तो ऐसे मुझे फोर्स नहीं करेंगे बट हमारे यहाँ पे होता है ना कि फैमिली साथ में रहती है उधर शादी होती है वो शादी होने से पहले भी वो लड़का कहीं अलग ही रह रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ वो फिर भी नहीं होता नह है लड़की भी बहुत रेयर होता है कि अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं एक ही घर में तो फिर वो शादी करके कुछ अपना ही लेते हैं फ्लैट अपार्टमेंट जो भी लेंगे वहीं पर वही रहते हैं पेरेंट्स के साथ नहीं रहते इसलिए तो वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग जो बूढ़े लोग हैं वो लोग लोनली देखा होगा डिप्रेशन में चले जाते हैं सुसाइड रेट बढ़ गए हैं क्योंकि वो लोग अकेले होते जा रहे हैं ना बच्चे तो अपनी फैमिली बना के अलग रह रहे फिर वो पेरेंट्स अकेले रह गए अभी रिसेंटली एक स्टोरी आई थी जिसमें न्यूज़पेपर में आया था बेसिकली वहाँ पे कि कोई आठ दिन हो गए थे उन बूढ़ी औरत को मरे हुए पता नहीं चला क्योंकि फैमिली नहीं रहती है साथ में तो वो अकेले रह रही हैं कॉल वॉल कुछ नहीं करते मतलब कुछ भी नहीं और कई लोग कितने बूढ़े लोग उधर सुसाइड कर लेते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं उनको लगता है कि क्या ही, आ, क्या ही हाँ, होती होंगी क्योंकि बच्चे आ, नहीं नहीं रहे रहे मिल वो खुद अकेले रह रहे और मुझे लगता है बुढ़ापे में चाहिए होता है ना थोड़ा बात करने को और जब अकेले ही रह रहे तो इसलिए वहाँ पे सुसाइड रेट भी बहुत ज्यादा है बूढ़ों के बूढ़ों के बहुत ज्यादा है ये तो मुझे नहीं पता था हाँ ये बहुत ज्यादा है उधर देखो सुंदर सुंदर चीजें ड्रामा में देखने को मिलती है बट रियलिटी बहुत अलग होती है जैसे उधर बुलिंग भी है आपने वो ड्रामा देखा था ग्लोरी हाँ। उसमें बुलिंग दिखाते ना फ्रेंड्स को नहीं। नहीं। वो उसके रियलिटी में करते हैं ऐसा उधर है बुलिंग है ये मैंने सुना है स्कूल्स में भी होती है कॉलेज में तो नहीं देखा मैंने अपने सामने कोई केस लेकिन मेरी एक कोरियन फ्रेंड है उसने मुझे बताया था कि दिस इज वेरी नॉर्मल बुली करना स्कूल में भी बच्चे कर देते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में था बट बुली होती है वहाँ पर एक और थी ना एक और के ड्रामा था आ, मुझे याद नहीं आ रहा ट्रू ब्यूटी उसमें भी तो यही सेम दिखाया हुआ है कि उसको बुली कर रहे थे तो वहाँ पे ये कुछ वो नहीं है इसका सजा सजा नहीं मिलती जैसे यहाँ तो नहीं करने देते रैगिंग ही हो गया मना तो करते ही है रूल से होते हैं उनके अपने लेकिन फिर भी बच्चे तो कहाँ कौन से बच्चे मानते हैं मुझे लगता है रूल्स हर जगह थोड़ी फॉलो कर थोड़ा कम ज़रूर हो गया लेकिन बुली करते हैं वो लोग मतलब ये नहीं बोलूँगी हर जगह बुली होते ही हैं बट हाँ बुली करने वाले बच्चे हैं उधर ओके कोरियंस को क्या इंडियंस के लिए कैसा वो फील करते मतलब इंडियंस आर नॉट अलाउड इन कोरिया नहीं इंडियंस आर ऑबियसली ऐसा तो है नहीं बट एक होता है ना कि फॉरनर्स uh, थोड़ा सा इंडियंस को वो अच्छा नहीं मानते या किसी भी चीज़ में मतलब, रेसिज्म है वहाँ पे देखो रेसिज्म ऐसे हर जगह होता है कई लोग कम फेस करते कई लोग ज़्यादा फेस करते मैंने फेस नहीं किया है तो आप ऐसे ऐसे इंसान से पूछ रहे हो तो मैं आपको एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी कि नहीं मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है मुझे जितने कोरेंस मिले अच्छे ही मिले मेरी लैंड लेडी मुझे उनको पता है मैं वेजिटेरियन हूँ तो वो जो भी कोरन बनाती थी उसका एक वेजिटेरियन वर्जन मुझे देती थी सो स्वीट हाँ तो अच्छे लोग मिले हैं मेरे प्रोफेसर हम लोग खाना खाने गए थे मैं वेजिटेरियन उन्होंने स्पेशली बोल के बोला कि कुछ भी सब्जियों का बना दो अच्छा। कि ये लड़की भूखी नहीं बैठनी चाहिए तो अच्छे लोग भी हैं मेरे साथ रेसिज्म नहीं हुआ है लेकिन रेसिज्म है

कि भाई इस इंडियन ने कर दिया तो सभी इंडियन ऐसे होते हैं hmm. तो वैसे ही वहां पे भी है रेसिज्म रेसिज्म के होते हैं मैं नहीं रेसिस्म नहीं है लोग फेस करते हैं लेकिन मैंने पर्सनली अभी तक कुछ फेस नहीं किया है एंड टचवुड मुझे लगता नहीं है भगवान करे कि मैं आगे भी फेस नहीं करूँ बट अगर कुछ करूंगी भी तो फेस तो मैं उसको शेयर करना चाहूंगी मैं उसको hmm. पर्दा नहीं डालूंगी hmm. बट अभी तक नहीं किया है तो एंड आई थिंक तुम वो हैंडल भी कर लोगी अच्छे से हाँ मुझे लगता है कि अब तुम्हें तो काफ़ी टाइम हो गया कोरिया में मुझे लगता है ऐसे कोई फालतू तो बोलता भी नहीं आपको एक ना किसी को कमेंट करने में और कॉम्प्लीमेंट देने में फर्क होता है मैंने जैसे किसी के साथ वीडियो बनाई थी तो मैंने उस वीडियो में बोला कि इंडियन लड़के हाँ। मतलब मैंने कमेंट और कॉम्प्लीमेंट वर्ड यूज नहीं किया था मैंने बोला कि कोरियन लड़के बोलते हैं कि वो सो ब्यूटीफुल या लोग बोलते हैं ब्यूटीफुल ये वो सो और मैंने बोला इंडियन लड़के ऐसे होते हैं ओ ये वो सो बट उस वीडियो को बहुत गलत ले गए लोग कि मैं कोरियन लड़कों को अच्छा बोल रही हो इंडियन लड़कों की तारीफों को बुरा बोल रही हो तो मैं बताना चाहूंगी इंडियन लड़के कई बार कमेंट्स पास करते हैं कोरियन लड़के आप पे कभी मेरे पे मेरी फ्रेंड्स पे या किसी पे भी मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोरियन लड़के फालतू तो में कुछ कमेंट पास दे देर लाइक दे ऑलवेज गिव कॉम्प्लीमेंट्स दैट यू आर ब्यूटीफुल अगर वो देंगे भी तो ऐसे देते नहीं है सड़क चलते नहीं, वो कुछ भी मतलब नहीं

नहीं, नहीं नहीं आ, इंडिया की आप किसी भी लड़की से पूछो से कुछ ना कुछ ऐसा सहा होगा आपने भी मैंने भी exactly. ये तो तो बहुत बहुत छोटी छोटी सी सी चीज है है जो तुम बोल रही बहुत सी, <laughs> हो हो एक्सट्रीम चीजें जाती है, exactly. बिल्कुल ईव टीजिंग करते हैं मतलब खैर छोड़ो हम कहीं जा रहे उसमें लेकिन फिर भी कोरिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा इट्स वेरी सेफ तो क्राइम रेट क्या है वहाँ पे कम है बहुत बहुत कम है है उधर बट ऐसे नहीं है बहुत ज्यादा जैसे इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है ना कुछ नहीं ऐसा आप बहुत सेफ हो अगर मैं आपको बता रही हूँ हमारे यहाँ तो आप दिल्ली में आज के टाइम पे बाहर जा सकते हो दस बजे के बाद बता दो आप मुझे ना, 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 आपको अपने साथ कोई मेल चाहिए होगा ना वहाँ पे आप आराम से घूमो हम लोग पार्टी करने रात को बारह बजे के बाद निकलते बारह बजे के बाद निकलते और हम सुबह घर पाँच बजे जा रहे हैं छह बजे जा रहे हैं आठ बजे जा रहे हैं वेरी सेफ कोई कुछ नहीं बोलता है कोई कुछ फालतू तो नहीं करता है अगर आपको कोई हिट करता है किसी क्लब में आप पे आके कोई हिट करता है अगर आपने बोल दिया कि नहीं

मतलब वो आपको वैसे फोर्स नहीं करेंगे कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपको लगे कई बार ऐसे भी होता है क्लब में आप जा रहे हो तो वो एक एक्चुअली उनके एक माइंड सेट है कॉरियस का कि ये जो फॉरेनर्स आते हैं ये लोग ज़्यादा ओपन होते हैं तो इनके लिए बहुत नॉर्मल है तो वो लोग भी वैसा रिएक्ट करना चाहते हैं बट उनको ही नहीं पता है। इंडिया में ये ऐसा नहीं होता है आ, तो आपको आके कभी ऐसे हक हाँ करके पूछेंगे बट अगर आप एक बार बोल दोगे ना कि नहीं नहीं जैसे मैंने बोल दिया आई हैवे अ बॉयफ्रेंड या कुछ भी कुछ नहीं।, नहीं दूसरी चीज़ वो बोलेंगे ही नहीं वो चले जाएंगे आपको दिखेंगे भी नहीं आप अच्छा जैसे तुम बता रहे हो कि कोरियंस uh, जो होते हैं वो सोचते हैं कि फॉरनर्स बहुत ओपन होते हैं बट uh, बहुत सारी कंट्रीज के तो आते होंगे वहाँ पे जैसे रशिया से आ गए या कहीं और से अमेरिकन आ गए इंडियंस और कोरियंस के कल्चर में कितनी सिमिलैरिटीज है, है? काफ़ी ज़्यादा है ना काफ़ी ज़्यादा वो सुना आपने कि आपको पता है कि हमारे यहाँ से बोलते हैं ऐसे बोला जाता है कि हमारे यहाँ से एक अयोध्या की प्रिंसेस है अयोध्या बेसिकली इंडिया में लड़ाई होती है कि वो तमिलनाडु से थी या अयोध्या से थी पर वो कहीं की थी प्रिंसेस जिनका नाम सूरी रत्ना था ओके okay. उनकी शादी कोरिया के राजकुमार किम सूरो से हुई थी अच्छा तो वहां पे जो किम है ना पूरे किम हाँ, वो कहीं ना कहीं उनके किससे इंडियन हाँ वो इंडियन में ऐसे आते ऐसे बोला जाता है कि सूरी रत्ना नाम की जो राजकुमारी थी उनकी शादी

उनकी अभी बेटी है बारह साल की सॉरी उन्होंने बताया था कि आ, ये होता है मतलब कोरियन्स में ना जो प्रॉपर बुद्धिस्ट रिलिजन फॉलो करते हैं या आई डोंट नो क्रिश्चियन भी ये करते होंगे बट वो वो वेडिंग के बाद वो क्रिश्चियन वेडिंग के बाद वो घर में एक इनका रिचुअल होता है okay. जिसमें ये हस्बैंड वाइफ अपने इन लॉ के आके बो करते हैं और इनके कुछ होता है ना जैसे हमारे में कुछ रीति रिवाज कुछ होते हैं वो फॉलो करते हैं ऐसे इन लॉ से घर जाके होता होगा हाँ ऐसा हाँ, कुछ ऐसा होता है शादी के बाद जो ओपनली ऐसे नहीं दिखाते हैं कहीं पे आजकल तो ऐसा भी ओके okay. अच्छा एक आ, वहाँ पे मैंने सुना है कि आप आ, ओपास भी बुक करते हो आ, रेंट करते हो बॉयफ्रेंड रेंट करना बेसिकली हाँ। ये जापान और कोरिया दोनों में होता है ये वो फिजिकल नीड्स के लिए नहीं है ये सिर्फ ऐसे ऐसे हाँ हैंग आउट हो गया ताकि कोई अगर डिप्रेस्ड है बहुत ज़्यादा वो किसी से बात कर सके घूम सके तो ये वैसा है वैसे एक दिन के लिए रेंट करते हैं उनके साथ कुछ ऐसा नहीं है जैसे आप सोचो कि, हाँ। हाँ। कि आप मिलके कहीं पे घूमते हो जाते हो हाँ। टाइम स्पेंड करते हो भले आपको लाइब्रेरी में बैठना है आपको एक सपोर्ट मिले किसी का ये इसलिए होता है बॉयफ्रेंड रेंट करना मतलब बेसिकली आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए मान लो आप चाहते हो कि मैं बहुत अकेली अकेल मेरी कोई सुन ले बस तो वो आपकी सुनेगा बट आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा ऐसे बॉयफ्रेंड रेंट कर सकते हैं कुछ साइट होता है इनका अवेलेबल हाँ, होती है और उसमें उन्होंने मेंशन क्या होता है कि ये 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 होगा इसके अलावा ये नहीं है, है okay. okay. आई थिंक मतलब का, का hmm. तो <laughs> ये बहुत अच्छी चीज भी है उनके लिए बेचारे हैं है अगर आपको कोई मिल रहा है अपने दुख सुख बांटने के लिए भले आपको पैसे देने पड़ रहे हैं वो अच्छी चीज है ना अगर उससे किसी का मूड ठीक हो रहा है कोई हम्म आई थिंक क्योंकि बहुत बार मैंने जैसे यहाँ देखा है इंडिया में या और जगह पे भी आपके लिए कोई बात करने के लिए नहीं होता है जो डिप्रेशन mm -hmm. में जाते हैं लोग क्योंकि वो बहुत अकेले हो जाते हैं किसको बोले किससे बात करें mm -hmm. तो ये चीज़ मेरे ख्याल से ठीक है नहीं बहुत अच्छी मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है इंडिया में भी होनी चाहिए अगर कोई अकेला फील कर रहा है बहुत अकेले रह रहा है उसके पास कोई अपना एक बंदा हो पैसे की कमी नहीं है उसको ऐसा कि बस हाँ बस बात करने को मिल जाए तो वो चीज बहुत अच्छी है बॉयफ्रेंड बट हाँ वो फिजिकल वाला नहीं है जैसे लोगों के दिमाग में होता है कि

वो वाले कॉन्सर्ट हो रहा था और वो लास्ट कॉन्सर्ट था उसके बाद ये लोग आर्मी के लिए जाने वाले थे ना तो वो सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था तो उसके लिए मैंने भी अप्लाई किया था जो भी है मुझे था कि बस पीछे की सीट कहीं कहीं पे भी मिल जाए और सीट मिल जाए मुझे नहीं मिली उसके बाद भगवान की कृपा होती है कि एक लड़की मुझे मैसेज डालती है कि मैं दे देती हूँ अपनी टिकट क्योंकि मैं नहीं जा सकती हूँ बट अगर मैं मेरी आंखों से कोई और भी देख लेगा तो मुझे ऐसे लगेगा मैंने देख लिया मतलब मेरी टिकट वेस्ट नहीं गई वो बी टी एस फैंस फैमिली होता है ना बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे उसने मुझे मैसेज किया फिर उसने मुझे अपनी टिकट उसने अपने मुझे जी भी दिया मतलब कोई किसी पर कैसे ट्रस्ट करता है उसने अपना जी अकाउंट जो जो था ना व्यूवर्स अकाउंट सब दे दिया कि वहाँ जाओ मेरी टिकट लो और कौन अटेंड करो मैं इतनी सिटीज़ ऐसे ट्रैवल करके सोल से जेतछौन जेत से देगू देगू से भूसान ऐसे ट्रैवल करके वहाँ तक गई उनकी लाइन इतनी लंबी हो और आपको बी uh, टी के कॉन्सर्ट में बच्चे से लेके चार्च साल के मजाक नहीं कर रही सच में चार तो, पांच तो, साल के <laughs> बच्चे से लेके बुजुर्ग जो लाठी या व्हील चेयर पे वो भी देखेगा आपको बीटीएस के कॉन्सर्ट के लिए और बहुत ही सुंदर फीलिंग है अगर आप आर्मी हो तो ऑब्वियसली ऐसा बट वहां पे जब मैं गई तो बेसिकली मुझे लगा ये मेरा नाम मैं बोल दूंगी मेरा मिडिल नेम है या कुछ है करके बट वो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं अगर मेरी और उस लड़की की डेट ऑफ बर्थ सेम होती वो तो बहुत ही मुश्किल है ना सेम होना बट वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट है कि उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी टिकट के, के बाद भी एंट्री नहीं दी क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं थी मेरी मेरे वीजा पे मेरे पासपोर्ट पे और वो जो लड़की की टिकट थी उस पर तो एंट्री नहीं मिली तो मैं छः घंटे में लाइन में खड़ी थी उसके बाद में वहाँ से वापस गॉड

उसको वीजा नहीं मिला और मेरा तो फिर मेरे को तो वैसे ही नहीं जाने दिया अंदर देखो मैं वहां पर रहके भी नहीं देखा है। मैंने आपने यहाँ पे रह के भी नहीं देखा है। <laughs> मैंने बहुत बार ट्राई किया कि कुछ ऐसा हो कि कोई बट बहुत बड़ा नाम है अब बीटीएस <laughs> आप छोटे मोटे छोटे मोटे नहीं बोलूंगी मैं हेट आती हूँ दिख जाए बहुत है आप दूसरे कर सकते हो आपको टिकट भी मिल जाएगी बट बीटीएस के लिए बहुत जनता है

देखते हो ना बी के फैंस को हाँ। इतनी सुंदर फीलिंग है वहाँ पे हर कोई आपको गिफ्ट्स बांटेगा हाँ, देखा है मैंने मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है की चेन्स वगैरह देते हैं हाँ, कुछ कुछ देते bags, रहते हैं कुछ भी कार्ड्स पोस्ट कार्ड्स वगैरह मुझे नहीं पता था मेरे पास कोई बैग भी नहीं था आप कैसे जाते हो ना आप कोई भी कॉन्सर्ट देखने जा रहे हो तो आप इजी जाते हो कि मुझे कुछ उठाना ना पड़े मैं इंजॉय कर सकूँ डांस कर सकूँ मेरे पास एक बैग एक नहीं दो बैग तैयार थे जिसमें नेकलसेस फैंस लाइन में खड़े होने के बाद सिर्फ लाइन में खड़े होने के वो खुद आएंगे आपके पास आपको खुद कोई ना कोई किसी हर कंट्री के लोग वहां पे उसके बाद वो आपको खुद से हैंडमेड बना के चीजें देते हैं बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगता है आप गिट्स के साथ घर वापस आओगे God.

कोरिया में एक लोगों का एक चीज़ है कि वो लोग फॉलो बहुत करते हैं ट्रेंड hmm. जैसे मान लो अगर नाइकी का कुछ जैसे अभी वी कंपोज कॉफ़ी के ऐड में आया कंपोज कॉफ़ी के ऐड में वी आया तो कंपोज कॉफ़ी मैं रोज लेती हूँ ठीक है मैं रोज लेती हूँ मेरे घर के पास है ठीक है जब तक वी नहीं आया था तो सुबह 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 मेरी फ्रेंड ने मुझे फोटो देखी कंपोज कॉफ़ी के बाद लाइन देख क्योंकि वो जो शायद मग्स में बीटी है वो भी बना था लाइन थी भाई कंपोज कॉफी के बाहर जस्ट बिकॉज वो वी ने उसकी ऐड कर दी तो लोग इतना फॉलो करते हैं इवन यहाँ पे भी है इंडिया में भी लाइक अभी सीके का जंगकुक ने किया था तो लड़कियां मतलब सीके के शोरूम के बाहर ना सिर्फ जंकू की पिक्चर लगी है वहाँ जाके जा फोटोज पहले तो मेरा भी मन करा पर मुझे इतना और एक तो मैं जंकू की थोड़ा मेरा बायस होंगे तो तो वो होता शायद तो मैं कुछ नहीं देखती पर मैं थोड़ा सा वो हो गया मुझे कि नहीं यार अजीब लगेगा थोड़ा इसलिए मैं म्योंगोंग में थी म्योंगोंग पता है ना सोल में एक मार्केट है मैं वहां थी तो वहाँ पे भी सीके पे जंकू के पोस्टर चल रहे थे अब आप देख के भी अगर आप उनको पसंद करते तो इग्नोर नहीं कर सकते तो मैं बाहर खड़ी थी लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचती ना उससे पहले इतनी लड़कियाँ थी ना उधर बस वो पोस्टर्स के साथ फ़ोटो लेती हुई बट मैंने दूर से ही फ़ोटो ली मुझे लगा ठीक है तुम जा लो <laughs> कोई बात नहीं आप ऐसे ऐसी सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं बट उधर भी बहुत क्रेज है लोग पोस्टर्स के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उनके टाटूज टैटूज <laughs> <laughs> बहुत बहुत ज़्यादा क्रेज है wow. मुझे लगता है वो अपने फैंस को उतना अच्छे से ट्रीट भी करते हैं जैसे लाइव आना तो और उतने अच्छे से वो करना पर्सनल लाइफ हाँ। इतना है नहीं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ मुझे लगता है वहाँ पे कम ही शो करते हैं जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनकी ये लोग उनको थोड़ा या तो बोलो बांध के रखना चाहते हैं या उनको एक्सपोज नहीं करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ को ना जैसे अब हम वहाँ पे कोई ड्रामा देख रहे हैं हम ड्रामा देखते हैं हमने डीमन देखा कि माई डीमन चल रहा है तो लोगों के दिमाग में कपल है अगर उनको पता चल गया कि ये किसी और को डेट कर रहा है तो वहाँ पे एक हेट शुरू हो जाती है अच्छा हाँ उधर बहुत नेगेटिविटी फैल जाती है उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये मैंने खुद से नोटिस किया है जैसे अभी कोई किसी एक्टर uh, का आया था अभी रिसेंटली नहीं कुछ टाइम पहले किसी एक्टर ने वहाँ पे ड्रग्स बैंड है करना ना मतलब ये वीड वगैरह करना बिल्कुल बहन है उधर तो उन्होंने कहीं पे किया होगा लोगों ने भूल गए लोग कि वो एक एक्टर है कहीं पर कर लिया तो चलो भूल जाते हैं एक बार को उस पर पानी डाल रहे हैं अगर वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे हैं मतलब बहुत डिस डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं उसके लिए और ये बहुत कॉमन है हेट देना वहाँ पर ऐसे सोशल मीडिया पे। <coughs> इसीलिए उन लोगों ने इतना प्राइवेट कर रखा है ना सबकी लाइफ इसी, इसी वजह से हाँ कि ताकि कल को लोगों को बाहर ही पता चले और उसका एक ड्रामा ना बन जाए इस वजह से अच्छा नेटफ्लिक्स पे एक वो चल रहा है सिंगल्स इन मतलब औरों का भी चल रहा था कंट्रीज का मतलब एक्चुअली है ही जो डेटिंग का उनका बेसिकली मुझे लगता है अभी जब यह अभी कंप्लीट हो गया ना कोई भी डेट कर रहा है किसी को ऐसे सामने नहीं आ रहा है उसमें क्लीग वानी था वो एक लड़की को है सो नाम की डेट बोल रहे थे कि डेट कर रहा है जिसके साथ वो गया था एंड बट उसने अभी ऑफिशियली आके अपने इंस्टाग्राम या किसी पे लाइव आके बोला कि वो उसको डेट नहीं कर रहा है स्प्लिट्स वाला जैसा सीन है कि वहाँ तक वो जोड़ियाँ वो कपल्स बाहर आ गए लेकिन बाहर आके वो डेट नहीं कर रहे हैं वो बहुत फेमस है लेकिन उधर ना एक सीन है ये जो भी सिंगल्स एंड फंडो वगैरह होते हैं ये इनकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं जैसे इस बार सिंगल्स इन फंडो में तीन लड़कियां आई थी तीनों मिस कोरिया के पार्टिसिपेंट थी तो मतलब को आप तो दिखेंगी आपको ऐसे कुछ कभी नहीं दिखेगा जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है इंडिया लोगों को बुरा क्यों लगता है लोग क्यों बोलते हैं गंदा सिटी है इंडिया इज डर्टी क्योंकि हम स्लम्स दिखाते हैं ठीक है हम स्लम्स वो प्रॉपर दिखाते हैं जैसे चौल होते हैं ना वहाँ पे वो इतना फेमस है वो जो आपने देखा है वो एक ट्रेन होती है ना जिसमें लोग भागते हैं पीछे पीछे महाराष्ट्र में मुंबई में जो लोग लोकल ट्रेन पकड़ रहे हैं वो वहां पे इतनी फेमस है ना हाँ वो वैसी वाली दे मेक फन ऑफ और वो हम लोग ही तो वायरल करते हैं ना आप वो अनहाइजेनिक फूड की वीडियो बनाना कि पैरों से आटा गूंद रहे हैं उसके बाद आप कैसे बोलोगे कि आपके कंट्री को कोई अच्छा बोले क्योंकि उनके दिमाग में हो जाता है इंडिया में यही चल रहा है इंडिया में सब यही खाते हैं इंडिया में सब ट्रेन में ऐसे ही चढ़ रहे हैं okay. तो ऐसे वाला सीन तभी उन, उनके दिमाग में एक इंडिया को लेके एक ऐसी इमेज है कि इंडिया ऐसा है जब तक वो घूमते नहीं है तो जो भी मेरे कोरन फ्रेंड्स होते हैं उनको मैं बोलती हूँ जब भी इंडिया आना है डोंट गो टू डेली क्योंकि आप जिस दिल्ली में जाओगे या मुंबई जाओगे तो आप स्लम झूड नहीं जाओगे hmm. Hmm. स्लम झूढ़ने जाओगे या आप देखना चाहोगे सरोजनी मार्केट वगैरह ये जो फेमस होता है ना लेकिन अगर आपको जाना है तो अच्छी सिटीज में जाओ हमारा केरला सुंदर हाँ, है इंदौर सुंदर है वाराणसी हिमाचल हो गया उत्तराखंड हिमाचल उत्तराखंड जाओ कितना सुंदर है लेकिन वो लोग यही प्रेफर करेंगे स्लम्स देखना लोग कैसे रह रहे क्योंकि वो हम अपनी मूवीज में दे रहे हैं वो अपनी मूवीज में ऐसा कुछ देते ही नहीं है वो आपको एक ऐसा कोरिया दिखाएंगे जहाँ आपका आने का मन करेगा जहाँ आप आना चाहोगे तो तो आ, बस आज का पॉडकास्ट इतना ही है एंड में मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा सा मैसेज तुम दे दो उनके लिए जो बहुत ही बड़े फैन हैं के ड्रामास के और आर्मी के लिए बी अगर आप लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और कोरिया आना चाहते हो कोरिया देखना चाहते हो सबसे अच्छा सबसे सुंदर चीज़ है कि आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप इससे आपको कोरिया में पढ़ने का मौका मिलेगा रहने का मौका मिलेगा बी को देखने का मौका भी मिल सकता है तो सबसे अच्छी चीज़ यही होगी अगर आप चाहते हो तो उसके अलावा आप कोरिया घूमने आ सकते हो घूमने आओ एज अ टूरिस्ट अब तो नया वीज़ा भी लॉन्च हो रहा है <laughs> बोलने वाले केप ऑफ फैंस के लिए तो आप आराम से आ सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है अब तो कोई भी आ सकता है तो या और वही मैं बोलूँगी ये जो के केड्रामाज में आपको दिख रहा है एक ये फैंटसी वर्ल्ड है जैसे हमें इंडियन मूवीज़ में भी दिखता है दुपट्टा उड़ रहा है हीरो पागल हो गया ये सब के ड्रामा में भी होता है इसके लिए ज़्यादा सीरियस मत लो रियलिटी हमेशा अलग होती है अच्छे बुरे लड़के हर जगह हाँ, तो डोंट गो क्रेजी वांट टू डेट प्लीज बिल्कुल <laughs> नहीं करना है नहीं करो अच्छे बुरे लड़के अच्छा मिल जाए तो अच्छा है बट अच्छा नहीं भी मिल सकता ना ऐसा नहीं हो कि उनके दिमाग में सी इमेज हो की सभी अच्छे होते हैं तो नहीं ठीक है गाइज बस दैट्स इट गाइज आज का इतना ही था पॉडकास्ट थैंक यू सो मच मानसी टाइम निकालने के लिए और uh, कल के लिए हैप्पी जर्नी जा रही हो बहुत मजा आया पॉडकास्ट में मुझे तो बहुत मजा आया और जो भी बी टी एस लवर्स होंगे यहाँ पे बी टी एस आर्मी है जो के ड्रामाज देखते हैं हमारी तरफ पागलों की तरह उनको बहुत मजा आएगा yeah. है ना थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड दैट्स इट गाइज बाय